सो क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन इसमें ए हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस ए रिवर ए स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रोज अ स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स तो अपने पास एक ये ब्रिज है हॉरिजॉन्टल और ब्रिज है ये हॉरिजॉन्टल और ये किसके ऊपर बना हुआ है एक रिवर के ऊपर बना हुआ है इस पर कोई एक स्टूडेंट है वो वर्टिकली अपवर्ड एक बॉल को फेंकता है कितनी वेलोसिटी से यू वेलोसिटी से और उसकी वैल्यू दी हुई है कितने से फेंकता है फोर मीटर पर सेकेंड से वो फेंकता है तो ये जो बॉल है इस कुछ इस तरह का पार्थ ट्रेवल करेगी और ट्रेवल करके ये किस में गिर जाएगी यहाँ पर जो अपनी रिवर है उसमें बॉल गिर जाएगी इस तरीके का पाथ ट्रेवल करेगी तो उस पूर, इस पूरी जो मोशन हो रही है इसकी इस तरह की उसके लिए अपन ने इसमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है ठीक है और ये जो इस पूरे मोशन के दौरान टाइम कितना ले रहा है टी इज इकल टू फोर सेकेंड ले रहा है ओके अपन को निक फाइंड आउट क्या करना है पढ़िए क्वेश्चन द बॉल स्ट्राइक द वाटर आफ्टर

और जो नीचे वाली डायरेक्शन है वो नेगेटिव में हो जाएगी तो एक्सेलेशन मेरे पास क्या आ जाएगा ए इजिकल टू माइनस जी एंड जी की वैल्यू माइनस टेन ओके okay? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सो so, सब वैल्यूज भी में सिर्फ हमें पुट करना है यू की वैल्यू यू की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव अब डायरेक्शन में फेंका तो यू इजिकल टू प्लस फोर टाइम तो टाइम होता है प्लस माइनस कुछ होता नहीं उसमें टी हाफ एक्सेलेरेशन की वैल्यू माइनस दस तो ये माइनस दस टाइम का स्क्वायर टी का स्क्वायर चार का स्क्वायर सोलह तो ये हो जाएगा अपने पास सोलह माइनस ये ये हो जाएगा आठ आठ दस अस्सी तो ये आ रहा है माइनस सिक्सटी फोर मीटर एस डिस्प्लेसमेंट ओके माइनस साइन यहां पर क्या बताता है माइनस साइन यहां पर ये बताता है कि ये इस यहां से स्टार्ट किया तो इस डायरेक्शन में लेकिन ओवरऑल उसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी सिक्सटी फोर मीटर माइनस डायरेक्शन माइनस सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है लेकिन हाइट कितनी होगी सिक्सटी फोर मीटर सो सेकंड इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन टू थ्री लेंसेज आर ऑफ सेम फोकल लेंथ स्मॉल एफ बट वन इज़ कॉन्वेक्स एंड द अदर वन इज कॉन है वैन दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर सो मेरे पास उसने दिया हुआ है कि ये एक है अपने पास कॉन लेंस और सेकेंड वन इज कॉन्वैक्स लेंस इसकी जो फोकल लेंथ दी हुई है वो भी स्मॉल एफ दी हुई है और इसकी जो दी है वो भी दोनों की सेम दी हुई है यू कैन रीड फ्राम हेयर ऑफ सेम फोकल लेंस स्मॉल एफ ओके बट वी ऑल नो दैट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वैक्स लेंस इज पॉजिटिव सो इट विल Plus f एफ एंड द फोकल लेंथ ऑफ द कौनके लेंसिस नेगेटिव सो इसकी होगी माइनस एफ़ और इस वाले की होगी प्लस एफ और जब भी दो लेंसेज को कॉन्टेक्ट में आपस में रखा जाता है तो उनकी जो पावर दी जाती है वो दी जाती है डायरेक्ट सिंपली ऐड करके जो उनकी कॉम्बिनेशन की जो रिजल्टेंट पावर पी होगी उनकी डायरेक्ट ऐड की जाती है सो so, रिजल्टेंट की फोकल डिस्टेंस स्मॉल एफ़ और पहले वाले की वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू ओके, एफन फर्स्ट वाला ये तो हो गया कौन के, कौन कॉनवेक्स के लिए क्योंकि इसकी पॉजिटिव होती है और सेकेंड वाली जो कौन केव की होगी वो होगी माइनस एफ कौन केव की नेगेटिव होती है तो इनको इक्वेशन वन में पुट कीजिए तो रिजल्टेंट जो फोकल लेंथ है अपने पास जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन की रिजल्टेंट वो क्या होगी वो ये होगी सिंपली बस इनकी वैल्यू को इक्वेशन में पुट किया तो ये क्या गया जीरो आ गया ये किसकी वैल्यू आई है जीरो अपॉन एफ की वैल्यू आई है एफ की वैल्यू कैसे होगी एफ की वैल्यू होगी अपॉन एंड वन अपॉन जीरो इज द सो इक्वेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी इनफाइन सो ऑप्शन थ्री इज द राइट ऑप्शन ओके यू गेट इट नेक्स्ट क्वेश्चन सो ए वायर कैरिंग ए करंट आई अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस हैज लेंथ कैपिटल एफ ओके तो एक वायर है करंट कैपिटल है उसमें फ्लो हो रही है और किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फ्लो हो रही है ओके okay? और उसकी लेंथ कितनी है कैपिटल एल है तो इट इज़ केप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये इसको जो करंट कैरिंग वायर है जिसकी लेंथ कैपिटल एल है उसको रखा गया है तो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स देखिए सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है डायरेक्शन नहीं पूछ रहा है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड बताइए जब भी किसी करंट कैरिंग वायर को जिसके जिसकी लेंथ कैपिटल एल हो और उसके अंदर करंट फ्लो हि यो कैपिटल आई तो उसके और वो रखा हुआ हो मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर लगता है फोर्स एफ इजिकल टू देट इज द मैग्नेटिक फोर्स प्लीज रिमेंबर ओके सो द मैग्नेटिक फोर्स इज आई एल क्रॉस बी सो आई वट इज द डायरेक्शन ऑफ द एल एल डायरेक्शन विल बी टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट सो करंट इज इन द पॉजिटिव एज डायरेक्शन मीन्स प्लस आई कैप डायरेक्शन सो वी विल टेक द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ इज प्लस आई कैप सो प्लस आई कैप Cross multiplied by the uh, b vector, okay. Cross product, and what is the value of the b? Uh, b? it is given in the question. 2 i cap plus 3 j cap minus 4 k cap. Okay, so I take this equation one. So after solving this, uh, so first we have to take the cross product of that these two. So uh, how we take the cross product of the two elements i cap, j cap, k cap. First, we take the components of the first vector that is the plus i cap. So, here plus 1, 0, 0 because in this the first vector there is only the only i cap, uh, I cap unit, unit, unit vector. There is no unit vector of the j cap and the k cap. So, it will take the 0, the 0 and the 0. So, the next two vector is 2, plus 2, plus 3, minus 4. You can solve it 0. माइनस फोर माइनस जीरो तो माइनस फोर प्लस के कैप के केप के लिए आएगा प्लस थ्री तो मेरे पास ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है किसका ये ये तो था एल और ये था बी तो एल क्रॉस बी की वैल्यू फाइनल वैल्यू यहाँ से क्या आ गई मेरे पास ये आ गई ये आई केप तो जीरो हो गए और ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस फोर जे केप प्लस थ्री के ये क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू आई है मेरे पास एल क्रॉस बी की ओके सो आई एल या मैग्नेटिक फोर्स चल रहा है इसमें वैल्यू पुट करिए बस मैंने क्रॉस ओके इक्वेशन में आई एल okay? तो और एल के साथ क्या था ओके सो okay. so, ये होगा मेरे पास आई एल और फोर के प्लस थ्री के के बट इट इज अ वेक्टर ओनली द मैग्नीट्यूड आस्क्ड इन क्वेश्चन सो हाउ आई गेट फ्रॉम हाउ आई गेट मैग्नेट्यूड फ्रॉम दिस वेक्टर आई ओर एल कॉन्सेंट है ठीक है तो क्या, क्या होगा फोर का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव दैट इज फाइव तो फाइव आई एल मैग्नेट्यूट ऑफ दट फॉर मैग्नेटी फॉर वेक्टर सो फाइव आई एल ऑप्शन सेकेंड इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन बुलेट From अ गन इज फायर्ड ऑन ए रेक्टेंगुलर वुन ब्लॉक विद वेलोसिटी यू मेरे पास एक ये रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक है जिस जहाँ इनिशियल स्टार्ट पेनीट्रेट किससे करता है वो यू से पेनीट्रेट करता है और वो एक पॉइंट ए जो ये ए वाली जो सर्फेस है वहाँ तक पहुँच जाता है जब ये ए वाली सर्फेस पर पहुँचेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है क्वेश्चन में पढ़ो ए ब्लॉट को फायर किया जाता है एक गन से ठक ऐसा फायर किया तो रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक पर किया और जिसकी वेलोसिटी इनिशियल में कितनी थी स्मॉल यू थी जब ये ब्लॉक Cm इसके अंदर ट्रेवल कर लेती तब जाकर के उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती वेलिसिटी यू बाई थ्री कितनी डिस्टेंस हो गई है ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर हो गई है ना इसको मैं ओ पॉइंट नाम देता दे हूं ओ से एक ही ट्रेवल के दौरान इसने चौबीस सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है और उसके बाद पूछ रहा है देन इट फर्दर पेनीट्रेस यानी कि आगे और जाती है ब्लॉक इन द

टू ओके okay. तो सबसे पहले तो मैं ए, ओ से ए की मोशन के दौरान में ओ से ए की मोशन के दौरान देखिए न्यूटन की थर्ड इक्वेशन लगा रहा हूं तो क्या होती है वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस ये रिटार्डिंग मोशन है रि, रिटार्डिंग मोशन है तो इसका एक्सलेशन धीरे धीरे क्या हो रहा होगा घट रही है वेलोसिटी में चेंज क्या हो रहा है घट रहा है वेलोसिटी में चेंज की रेट

नाइन यू स्क्वायर माइनस यू स्क्र एट यू स्क्वायर बाई नाइन और ये फोर्टी एट को मैं इधर ले गया अब ये आठ से मेरे पास कट रहा है सिक्स टाइम्स तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास आ गई है यू स्क्वायर बाई फिफ्टी फोर यू स्क्वायर बाई फिफ्टी फोर एक्वेशन नंबर टू ओके तो अब मैं चल रहा हूँ ये जो मेरे पास ये वुडन ब्लॉक था यहाँ बीच में आ गया था ओ ए बी तो ए से बी की मोशन के दौरान देखिए ए से बी मोशन में तो यहाँ पर कितना होगा गया यहाँ पर तो हो गई थी वेलोसिटी उसकी यू बाई थ्री और यहाँ पर जीरो रुक गई और यहाँ पर कितनी शुरू 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 में यू थी तो ए से बी की गति के दौरान मोशन के दौरान मैं लगा रहा हूँ न्यूटन की थर्डी क्वेश्चन बी स्क्र इजकल टू यू स्क्र प्लस टू ए एस मोशन सेम टाइप की तो एक्सेलरेशन विल बी द सेम ट बट इट इट विल बी इन द नेगेटिव डायरेक्शन बिकॉज इट इज अ रिटार्डिंग मोशन सो फाइनल वेलोसिटी इज जीरो इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ पर यू बाई थ्री ए की मोशन के दौरान बात कर रहा हूँ तो यू बाई थ्री का स्क्वायर यू स्क्वायर बाई नाइन टू टू ए एक्सेलेशन की वैल्यू क्या आई थी अपने एक्सेलेशन की वैल्यू आई है यू स्क्वायर बाई फिफ्टी वहाँ पर पुट कर रहा हूँ देखिए तो यू स्क्वायर बाई फिफ्टी फोर बट इट विल बी इन द नेगेटिव वाई बिकॉज इट इज़ ए रिटार्डिंग मोशन एस ये डिस्टेंस ये कितनी वापस ट्रेवल करेगा यहाँ पर यही तो पूछा है क्वेश्चन में ओके okay. तो अब तो सीधे सीधे सोल्व कर सकते हैं तो यू स्क्वायर बाई नाइन तो ट्वेंटी सेवन यही होगा टू से कितने टाइम टिक सकते ट्वेंटी सेवन टाइम्स तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल तो एस की वैल्यू मेरे पास आएगी यहाँ से ट्वेंटी सेवन बाई नाइन इजिकल टू थ्री सेंटीमीटर ये तो मेरे पास एस की वैल्यू आई है वापस से ये जीरो बाई थ्री स्पीड से जीरो से स्पीड कितने टाइम में होगी मेरे से पूछिए वुडन ब्लॉक की टोटल लेंथ ये दी हुई थी मेरे पास ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर और ये एस की वैल्यू मेरे पास आई है तीन सेंटीमीटर तो टोटल लेंथ हो जाएगी 24 3 यानी कि 27 सेंटीमीटर यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 ओम टेंपरेचर था और 6.8 ओम ओम रेजिस्टेंस था 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर और मेरे से पूछा टेंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस तो इसका फार्मूला क्या होता है RT2 RT1 वन प्लस अल्फा डेल्टी सेम फार्मूला अपन किसके लिए लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी के लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए पूछा है तो रेजिस्टेंस और सेम फार्मूला वर्क करता है रजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी के लिए ठीक है तो मेरे पास सब दिया हुआ T2 है टी टू टेम्परेचर पर मेरे पास टेम्परेचर वो टी टू टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है ठीक है सिक्स पॉइंट एट ये तो है मेरे पास टी टू टेम्परेचर और ये हो जाएगा रेजिस्टेंस एट टी टू टेम्परेचर ये है मेरे पास टी वन टेम्परेचर और ये है मेरे पास रेजिस्टेंस एट टी वन टेम्परेचर तो सबकी वैल्यू दी हुई है बस सोल्व करके निकालना है सिंपल क्वेश्चन तो आर टी टू दिया हुआ है टी वन टेम्परेचर पर टू एम वन प्लस अल्फा डेल्टी डेल्टी इज द चेंज इन द देशर जीरो से अस्सी हो गया तो जीरो से अस्सी डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ अस्सी डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि अस्सी ओके सो इसको अपन सोल्व करेंगे तो टू से कितना टाइम्स कटेगा थ्री पॉइंट फोर टाइम्स इजिकल टू वन प्लस अल्फा डेल्टी डेल्टी यानी कि अस्सी तो अल्फ़ा डेल्टी को तो अस्सी लिखूंगा और ये थ्री पॉइंट फोर माइनस वन यानी कि ये हो जाएगा टू पॉइंट फोर के ना तो अल्फ़ा कितना आ जाएगा मेरे पास टू पॉइंट फोर बाई अस्सी ये हो जाएगा इतना ये कटेगा थ्री टाइम्स दस की घात दो ऊपर जाएगा तो दस के घात माइनस दो डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन इनवर्स भी बोलते हैं इसका मात्रक देखिए से रेजिस्टेंस का मात्रक कटा अल्फ़ा डेल्टी बचाए अल्फा का मात्रक क्या होगा वन अपॉन डेल्टी वन अपॉन डेल्टी मीन सेंटीग्रेड इनवर्स सेंटीग्रेड इनवर्स ओके यानी कि ऑप्शन तीन गुणा दस की बाद माइनस दो ऑप्शन सेकेंड इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस एज शोमन इन द फिगर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरे से पूछ रहा है पी पॉइंट पर ये मेरे पास डाइपोल है ठीक है तीन तीन सेंटीमीटर या इसके जो अर्धा के जो उसका मिड पॉइंट है उससे डिस्टेंस दी हुए और मिड पॉइंट से पाँच सेंटीमीटर दूरी पर पोटेंशियल पूछ रहा है कैसे निकालूंगा इसके कारण निकालूंगा पोटेंशियल इसके कारण निकाल लूंगा पोटेंशियल क्या होती है स्केलर क्वांटिटी होती है डायरेक्शन देखनी नहीं होती इसलिए डायरेक्ट उनको क्या कर देंगे एड कर देंगे तो पहले मैं इसके उसको मैं ए नाम दे देता हूँ इस वाले चार्ज को मैं बी नाम दे देता हूँ तो पहले ए के कारण निकालूंगा पोटेंशियल वी ए क्या होगा पोटेंशियल क्या होता है जब किसी क्यू चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ए है तो ए पर पोटेंशियल वी ए इजिकल टू के क्यू बाई आर यस के ना तो यहाँ पर लिखो के क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पर माइनस क्यू तो ये माइनस क्यू बट ए दूरी इससे कहाँ पर निकालना है पाँच तो ये और ये तीन ये है यहाँ या, यहाँ पर निकालना है इस वाले पोटेंशियल के कारण इस वाले चार्ज के कारण तो, तो ये दूरी कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक पाँच और ये तीन ये तो आठ सेंटीमीटर तो आठ सेंटीमीटर तो आठ तो गुना दस के बाद माइनस दो ओके ये तो ए हो गया वी भी क्या होगा के क्यू बाई आर वही सेम लेकिन यहाँ पर इस बार क्या है चार्ज प्लस क्यू है तो क्यू भाई डिस्टेंस कितनी होगी तो तो दो सेंटीमीटर तो में ही तो तो से तो सकते हैं पोटेंशियल पूछ रहा है तो वी पी पर तो क्या होगा इन दोनों के कारण एड कर देंगे एड करोगे तो के क्यू को मन ले सकते हैं दोनों से है ना दस की गत माइनस दो है नीचे दोनों में दोनों में ऊपर जाएगा दस के दो बनेगा दस के घात दो को मैं बाहर ले रहा हूं के तो क्यू गुणा दस की घात दो ओके तो यहां से मेरे पास बचेगा इस वाले से तो बचेगा एक बटे दो और इस वाले से बचेगा माइनस एक एक बटे आठ इसको मैं आगे सोल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा के क्यू गुणा दस की घात दो यहां से मैं आठ कॉमन लूँगा, लूंगा तो चार माइनस एक यानी कि यहां पे बचेगा तीन बटे आठ चार तीन बटे आठ केक्यू गुणा दस की घात दो वो मेरे से आंसर पूछ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन दस के घात दो के गुणांक के रूप में आंसर कितना होगा ये पूछ रहा है तो दस के घात दो को हटाना है तो तीन बटे आठ केक्यू तो तीन बटे आठ के क्यू यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन टेन रजिस्टर्स हैं ईच ऑफ रेजिटेंस कैपिटल आ रहे हैं कनेक्टेड है सीरीज में बैटरी से, जिसका ई एफ कैपिटल ई है एंड नेग्लिजिबिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बैटरी का उसको यहाँ पर क्या करना है नगण्य ने माना नेग्लिजिबल माना उसको कैलकुलेट नहीं करना है ओके okay, तो मेरे पास ये बैटरी है इसका ई एम ई है ओके okay. यहाँ पर दस रजिस्टेंस लगे हुए पहला दूसरा सबका रेजिस्टेंस कितना कैपिटल आर 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 ऐसे चलता जा रहा है तो टोटल कितना हो जाएगा जब रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो उन्हें डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं आर 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 ऐसे दस बार तो टोटल कितना हो गया टेन आर तो ये मेरे पास हो गया प्लस माइनस ये तो कैपिटल ई है ही सारी यहाँ पर हो गया मेरे पास रेजिस्टेंस टेन आर तो ये जो मेरे पास सर्किट है इसमें फ्लो होने वाली करंट कितनी होगी मेरे पास आई इजिकल टू क्या हो जाएगा तो मेरे पास हो जाएगा V बाई आर तो टोटल मेरे पास ई कितना है E और रेजिस्टेंस कितना है फर्स्ट केस में जब इनको फर्स्ट पहले तो वो बोल रहा है कि पहले तो मैंने इनको सीरीज में कनेक्ट किया ठीक है उसके बाद ये बोल रहा है सबको किस में कनेक्ट किया पैरालन में कनेक्ट किया है तो सबसे पहले तो अपन सीरीज वाला कॉम्बिनेशन ले रहे हैं सीरीज में कनेक्ट किया ई e से दस बार आर आर वाले रेजिस्टेंस को टेन आर हो गया करंट वी इज गल टायर से आईज गल टू ई बाई टेन आर इक्वेशन नंबर वन अब सेकंड केस में ये बोल रहा है कि सेम ये वही है मेरे पास बैटरी इस बार सीरीज के जगह बस उसने पैरेलल में दस रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया फिर इसे पैरेलल में एक और जोड़ा ऐसे करके कितने जोड़े टोटल दस तो इनका पैरेलल कैसे निकालते हैं वन ओ पॉइन आर रिजकल्टू वन ओपॉइन आर वन प्लस वन ओपॉइन आर टू ऐसे करते जाते हैं दस है तो एक बटे आर कितनी बार दस बार तो एक बटे आर दस बार यानी कि दस से गुणा कर दूंगा तो आर कि जो उनका रिजल्टेंट आ, मेरे पास वो है रेजिस्टेंस तो वो कितना आ जाएगा मेरे पास आर बाई टेन आ जाएगा इसकी वैल्यू को मैं तो ये तो फर्स्ट वाले में करंट थी मेरे पास आई वन फर्स्ट वाले में ओके okay. सेकंड वाले में करंट क्या होगी मेरे पास सेकंड कंडीशन में करंट ई बाई रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कितना आर बाई टेन तो आर और ये टेन ऊपर ओके मेरे से पूछ रहा है कि करंट कितने गुना बढ़ गई यानी कि द करंट इज इंक्रीज एन टाइम्स तो मींस आई टू बाई आई वन वो मेरे से पूछ रहा है आई टू बाई आई वन यानी कि आई टू जो है आई टू का जो रेशियो है वो आई वन से कितना मल्टीप्लाई हो गया तो आई टू बाई आई वन मेरे को निकालना है तो सीधा सीधा इक्वेशन टू बाई वन करूंगा डिवाइड करना है बस दोनों को टेन ई e बाई आर जब मैं तो ये ई बाई टेन आर नीचे आएगा ऊपर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा तो मेरे पास हो जाएगा टेन आर बाई ई से ई कैंसिल आउट आर से आर कैंसिल आउट टेन मल्टीप्लाई बाई टेन इजिकल टू हंड्रेड सो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट ए वेरी लॉन्ग कनेक्टिंग वायर इज बेंट इन अ सेमी सर्कुलर शेप फ्रॉम ए टू बी एन इन पॉइंट b4 स्टडी करंट कॉन्फिगरेशन इज गिवन बाय तो मेरे पास ये दो सेमी सेमी इनफिनिट वायर्स हैं. फर्स्ट वाला ये इनफिनिट तक तो जा रहा है ये भी इनफिनिट तक तो जा रहा है ओके okay. सो so, मेरे पास p पॉइंट पर वो क्या पूछ रहा है मेरे से मैग्नेटिक uh, फील्ड पूछ रहा है तो so, सबसे पहले तो इस वाले वायर के कारण देखेंगे इस वाले के देखेंगे तीनों के कारण देखने फर्स्ट वाले के कारण देखिए करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को ले जाएंगे तो ये फिंगर्स के डायरेक्शन राइट एंड के लिए तो राइट right एंड से देखते हैं तो करंट के डायरेक्शन में मैं अंगूठे को यानी कि थंब को ले जा रहा हूँ तो फिंगर्स की डायरेक्शन कैसे आ रही है देखिए ये आ रही है इनवर्ट्स इन टू द पेपर सो ए वाले इसको मैं अगर मैं ऊपर वाले को ए वायर मान लूँ तो इसके कारण क्या होता है सेमी सर्कुलर वायर के कारण होता है मीनट आई अपॉन फोर पाई डिस्टेंस ये कितनी है इससे ये डिस्टेंस ये अगर ये सेमी सर्कुलर है तो ये जो डिस्टेंस आ रही है यहाँ पर तो ये डिस्टेंस मेरे पास कितनी आ रही है कैपिटल आर आ रही है आ रही है म्यूनट आई अपोन फोर बाई आर साइन अल्फा वन प्लस साइन बीटा टू तो यानी कि या यहाँ से देखिए इस पर एक मैं ये इससे खींचूँ तो एक एंगल तो मेरे पास जीरो हो जाएगा और एक एक, एक एंगल कैसा होगा नाइन्टी तो साइन जीरो प्लस साइन नाइनटी तो जीरो इसकी वैल्यू जीरो इसकी वैल्यू वन तो ये सेमी इंफाइनेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है ये जीरो ये वन तो फाइनली क्या आ गया मेरे पास म्यूनट आई अपोन फोर बाई आर ये आया मेरे पास इनवर्स इनवर्स डायरेक्शन यानी ए सी डायरेक्शन ये ए वायर के कारण ओके अब ये जो बी बीला वायर है नीचे वाला इसके डार, इसके लिए डायरेक्शन देखो थम के डायरेक्शन में तो करंट है और ये एस है तो यानी कि ये भी क्या इन द पेपर तो इसके कारण मेरे पास हो जाएगा सेम सेमी सर्कुलर के कारण म्यूनिट आई अपॉन फोर पाई आर आया म्यूनट आई अपॉन फोर पाई आर इन्वर्ट्स दोनों इन्वर्ट्स से दोनों ऐड होंगे तो इन दोनों वायर्स के कारण मेरे पास टोटल कितना आ जाएगा नॉट आई अपॉन फोर पाई आर मल्टीप्लाइड बाई टू ओके इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा नॉट आई अपॉन टू पाई आर ये होगा इन्वर्ट्स ओके okay. तो ये तो मेरे पास ही आया लेकिन अब मेरे पास ये सेमी सर्कुलर सेमी सर्कुलर आर्क भी है तो फुल फुल सर्किल के कारण उसके फुल फुल करंट करंटर सर्कुलर लूप के कारण उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है म्यूनट आई अपन टू आर तो यहाँ पर सेमी सर्कुलर है तो उसका आधा म्यूनट आई अपन टू आर का आधा कितना म्यूनट आई अपन फोर आर म्यूनट आई अपन फोर आर ये किसके कारण है ये है इस सेमी सर्कुलर आर के कारण के इसकी डायरेक्शन कैसी होगी ऐसे इसकी करंट के डायरेक्शन में अगर मैं फिंगर्स को ले जाता हूँ तो यार यार ये, ये आ रहा है आउटवर्ड्स आउट ऑफ द पेपर यानी कि डॉट ऐसे शो करते हैं देखिए यह है आई ओपन आर तो दोनों में कॉमन है? है और इसमें भी है लेकिन फोर से, हो रहा से हो रहा। तो फोर छोटा तो कम, कम नंबर अगर डिवाइड होगा तो वो क्या होगा बड़ी क्वांटिटी होगी बड़ी क्वांटिटी हो रही है छोटी क्वांटिटी है यानी कि पेपर इज मैग्नेटिक फील्ड है ये जो जो, uh, क्या स्ट्रॉग मैग्नेटिक फील्ड इसकी वैल्यू ज्यादा कम है तो उस पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा यानी कि बी रिजल्टेंट इक्वल टू इसमें से इसको घटा देंगे तो म्यूनट आई अपॉन फोर आर माइनस म्यूनट आई अपॉन टू पाई आर म्यूनट आई अपॉन टू पाई आर यहाँ से मैं कोमल लेता हूँ यहाँ से मैं कोमल लूँगा म्यूनट आई अपन फोर आर तो म्यूनट आई अपॉन फोर आर जैसे मैं कोमल लूँगा अंदर मेरा बचेगा यहाँ से वन और यहाँ से बचेगा वन माइनस टू अपॉन पाई और इसकी डायरेक्शन किधर होगी ये ज़्यादा था ये कम था तो अगर मैं पाँच जैसे पाँच न्यूटन में से दो न्यूटन को घटाता हूँ पाँच न्यूटन इधर लग रहा है टू न्यूटन इधर लग रहा है तो जि जो ज़्यादा होगा उसी के डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट आता है ये ज़्यादा है ये कम है तो रिजल्टेंट निकालूंगा तो ज़्यादा वाले की ही डायरेक्शन में ही तो रिजल्टेंट आएगा तो यानी कि और ज़्यादा वाला ये है तो इसकी डायरेक्शन क्या है आउट ऑफ द पेपर यानी कि जो ये मेरे पास रिज़ल्ट आया वो डायरेक्शन क्या होगी इस फाइनल बी वेक्टर की आउट ऑफ द पेपर तो ऑप्शन में मैच कराइए म्यूनट आई अपन फोर आर वन माइनस टू पाई वन माइनस टू अपन पाई पॉइंटेड अवे फ्रॉम पेज सो ऑप्शन सेकेंड इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इतना दिया हुआ है वट इज़ द रेडियस ऑफ थर्ड अलाउड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम सो मेरे पास रेडियस जो एंथ ऑर्बिट में यह अपने पास न्यूक्लियस है ये रेडियस है इसकी रेडियस आर है एंथ ऑर्बिट में है तो आर एन ओके इसका फॉर्मूला होता है पॉइंट फाइव थ्री एन स्क्वायर बाई जेड एन स्ट्रॉन्ग जेड इज द एटोमिक नंबर यहाँ पर हम हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन पुट करो जेड की वैल्यू वन तो ये मेरे पास आ जाएगा फाइनली पॉइंट फाइव थ्री एन स्क्वायर एंग स्ट्रॉन्ग ओके जब एन इजिकल टू वन पुट करूंगा यानी कि इनर मोस्ट ऑर्बिट कौन सी होती है फर्स्ट ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट यानी कि एन इजिकल टू एन क्या है ऑर्बिट का नंबर एन इजिकल टू मोस्ट इनर ऑर्बिट के लिए एन इजिकल टू वन पुट करूंगा तो मेरे पास इतना आएगा तो एन इजिकल टू वन पुट करो तो ये हो जाएगा पॉइंट फाइव थ्री स्ट्रॉ इसको आगे और सोल्व करेंगे तो ये हो जाता है फाइव पॉइंट थ्री दस की घात माइनस ग्यारह मीटर तो ये मेरे पास आया आर वन ओके अब मैं अब उसने क्या निकालने के लिए बोला है उसने क्वेश्चन में दिया बोला है रेडियस ऑफ थर्ड अलाउड ऑर्बिट यानी कि एन इजिकल टू थ्री थर्ड ऑर्बिट की रेडियस तो वो कितनी होगी आर थ्री इजिकल टू यहां पर मेरे पास ये फॉर्मूला है जी की वैल्यू बन चल रही है क्योंकि हाइड्रोजन आइटम के लिए बात कर रहे हैं एन की वैल्यू क्या रख दूंगा थ्री रख दूंगा तो पॉइंट फाइव थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री का स्क्वायर इस फॉर्मुला में इजिकल टू थ्री पुट कर रहा हूँ थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा नाइन इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा ये एंगे स्ट्रॉग में चल रहा है तो ये हो जाएगा मेरे पास फोर पॉइंट सेवन सेवन एंगे स्ट्रॉन्ग ओके आर थ्री सो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फोर पॉइंट सेवन सेवन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द नेट इंपीडेंस ऑफ सर्किट एज शोवन इन द फिगर विल बी नेट आर एल सी सर्किट दवा है मेरे पास इंडक्टर कैपिटल एल है कैपिटल सर्ट सी है और रेजिस्टेंस कैपिटल आर है इसका नेट इंपीडेंस जेड होता है जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर इक्वेशन वन तो एक्सेल क्या होता है रिएक्टेंस होता है इज इक्वल टू ओमेगा एल ओके ओमेगा को मैं लिख दूंगा टू पाई एफ एल तो टू पाई एफ़ की वैल्यू कितनी फ्रीक्वेंसी ये दी हुई है फिफ्टी अर्ट्स यानी कि फिफ्टी और एल क्या है इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर कितना दिया हुआ है पचास बाई पाई मिली है एमपेयर तो पचास बाई पाई मिली यानी कि दस की गात माइनस तीन ओके इसको सोल्व करते हैं तो एक्सेल आ जाएगा मेरे पास पाई से पाई कैंसिल तो ये सो गुणा पचास गुणा दस की घात माइनस तीन तो एक दो तीन तो ये आ जाएगा सोल्व करने पर फाइव ओम एक्सेल की वैल्यू ठीक है और मेरे पास एक्सी की वैल्यू भी निकालनी क्योंकि मेरे को यहाँ पर इंपीडेंस चाहिए जेड आर आर तो पता है रेजिस्टेंस आर दस ओम है दस का स्क्वायर कर दूंगा सौ लेकिन एक्सेल और एक्सी तो निकालना पड़ेगा एक्सेल मैंने निकाला एक्सी क्या होता है रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटेंस कितना होगा वन अपॉन ओमेगा सी जेड कहलाता है हैं और एक्सेल और एक्सी कहलाते हैं रिएक्टेंस तो ये टू पाई एफ सी तो वन अपॉन टू पाई एफ़ की वैल्यू पचास हर्ट्स ये दी हुई है कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है दस की घात तीन बाई पाई दस की घात तीन बट पाई माइक्रो यानी कि दस की घात माइनस छ भी आएगा ओके okay, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा टेन ओम ओके okay, इस इन अब यानी कि एक्सेल की वैल्यू फाइव ओम एक्सी की वैल्यू टेन ओम और आर की वैल्यू कितनी डायरेक्ट डी वी टेन ओम इन तीनों की वैल्यू को इस इक्वेशन वन में जेड वाले फॉर्मुला में पुट करके सोल्व करेंगे तो जेड इजल टू अंडर उर का स्क्वायर आर है दस है दस का स्क्वायर हंड्रेड प्लस एक्सएल माइनस एक्सिक का होल स्क्वायर एक्सएल की वैल्यू दी हुई है सोल्व करिए तो कितना आया है फाइव तो फाइव माइनस टेन का होल स्क्वायर तो ये मेरे पास हो जाएगा अंडर वूड हंड्रेड प्लस माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस का हो जाता है तो यानी कि ट्वेंटी फाइव तो मेरे पास आ गया ये अंडर वूड वन टू फाइव ये तो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी फाइव रूट फाइव कितनी फाइव रूट फाइव ओम इम्पिडेंस भी ओम में आता है तो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फाइव रूट फाइव ओम यानी कि सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन थैंक यू